तीसरी दुनिया क्या है, तीसरी दुनिया में कौन कौन से देश हैं, यह नाम किस तरह से पड़ा, बड़ा शोचनीय है। तीसरी दुनिया शीत युद्ध के समय का शब्द है। शीत युद्ध यानी मुख्यतः अमेरिका और रूस का एक प्रतियोगिता का काल रहा। फ्रांसीसी डेमोग्राफर, मानव विज्ञानी और इतिहासकार अल्फ्रेड साल्वी ने 14 अगस्त 1992 को पत्रिका ल आर्बजेट में प्रकाशित लेख में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका आशय उन देशों से था जो न तो कम्युनिस्ट रूस के साथ थे और न पश्चिमी पूंजीवादी खेमे के नाटो सेना के साथ थे। इस अर्थ में गुट निरपेक्ष तीसरी दुनिया का संज्ञा लिया। इसमें भारत रहा, मिस्र रहा, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम विकासशील देश थे। यो मात्से तुंग का भी तीसरी दुनिया का एक विचार था, पर आज तीसरी दुनिया शब्द का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि अब प्रायः जो भी युद्ध की स्थिति बनती है उसमें पूरा विश्व प्रायः दो गुटों में बन जाता है। तीसरी युद्ध शब्द का प्रयोग उस समय के लिए किया गया जब दो खेमों के बीच सम्मिलित नहीं हुआ, जो दो खेमों के किसी पार्ट का हिस्सा नहीं बना उसे ही तीसरी दुनिया का संज्ञा दिया गया।